सो हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन बनाया है, क्लोरोबेंजीन विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. सिमिलरली वी कैन प्रिपेयर ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है, सी यू टू बी आर टू. कॉपर हमेशा आपका वन ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा. सी यू टू बी आर टू ये हो जाएगा, ये देगा आपको ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बी आर टू है विद द लिबरेशन ऑफ अगेन नाइट्रोजन गैस. ठीक है, सो क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन आर प्रिपेयर बाय यूजिंग ऑन क्यूपरस वन सॉल्ट, या क्यूपरस क्लोराइड या क्यूपरस ब्रोमाइड. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ हैलाइड ग्रुप, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट, नॉट हैलाइड, रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट, डायसोनियम ग्रुप एन टू ग्रुप, एन ट्रिपल बॉन्ड एन ग्रुप होता है, डायसोनियम ग्रुप बाय हैलाइड इज नोन एज व्हाट, सैंडियस रिएक्शन. सो नेक्स्ट देखिए, इट इज नेक्स्ट रिएक्ट विद व्हाट, के आर आयोडाइड विधि बना रहे हैं, तो हम लोगों को सेम रिएक्शन कैरी आउट करनी पड़ेगी विद के आई के साथ. के आई के साथ या हम लोग सी यू टू आई टू नहीं यूज करते, पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं, यूज व्हाट के आई विद द लिबरेशन ऑफ अगेन नाइट्रोजन गैस. केसीएल भी आप लोगों ने साइड प्रोडक्ट लिख दिया तो भी चल जाएगा, ये हो जाएगा आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन. सो ये वी कैन प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन, ठीक है, बाय यूजिंग व्हाट, एनिलीन या सैंडियस रिएक्शन. ये हुआ आपका सैंडियस रिएक्शन, मीन्स आप लोगों का सैंडियस रिएक्शन, मतलब मैं फिर से बता रही हूँ, ये होता है रिप्लेसमेंट ऑफ डायसोनियम ग्रुप बाय हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड. ठीक है, वेन इट रिएक्ट विथ वॉट, वेन इट रिएक्ट विथ क्यूपरस वन सॉल्ट, आर गेटिंग दैट क्यूपरस वन सॉल्ट इन केस ऑफ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड. क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाते वक्त हम लोगों ने लेना है क्यूपरस वन सॉल्ट Cu2Cl2, ठीक है, Cu2Br2, आर गेटिंग दैट Cu2Cl2 या Cu2Br2, ये क्यूपरस सॉल्ट देना है, जो कि आपको क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन N2 निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ आ जाएगा आपका हैलाइड क्लोरोबेंजीन, और ये N2 गैस इंडिकेट्स लिबरेशन, मतलब लिबरेशन ऑफ दैट N2 गैस इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यहाँ N2 गैस लिबरेट हो जाएगा हर जगह. अभी देखिए इस तरह की कोई भी रिएक्शन आएगी, डायसोनियम सॉल्ट वाली या एनिलीन से लेके, आप लोगों को बाकी रिएक्शन बैलेंस नहीं किया तो भी चल जाते हैं, बट N2 गैस आप लोगों ने लिखना होता है, बिकॉज दैट लिबरेशन ऑफ गैस इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर करते हुए हम लोगों ने यहाँ C2Br2 लिया है, वाई आयोडाइड के लिए ये स्टेबल नहीं होता है इसका सॉल्ट, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज मोस्टली कैरी आउट इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, केआर, केआर के प्रेजेंस में कैरी आउट होता है. ये N2 निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका आर, साइड प्रोडक्ट एक और निकल सकता है KCl, आपने लिखा नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, KCl ये साइड प्रोडक्ट हो जाएगा, और लिबरेशन ऑफ व्हाट नाइट्रोजन गैस अगेन इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. मैंने सेपरेट तीन रिएक्शन ना लिखकर मैंने एक में ही लिख दिया, जिसमें आपका पूरा साइड में रिएक्शन आ जाता है, आप भी इसी तरह से लिख देते हो तो भी चलेगा. यदि एग्जाम में आपको सिंपली क्लोरोबेंजीन वाला पूछा है फ्रॉम साइड में रिएक्शन, सो इन दैट केस नो नीड टू राइट ब्रोमो एंड आयोडो, ये लिखने की जरूरत नहीं. जनरली यदि पूछते हैं तो आप इसी तरह से पूरा लिख दोगे, सेपरेट रिएक्शन हर एक के लिए लिखने की जरूरत नहीं. ये बीचों बीच आपका बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड आएगा, उससे में आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन इस तरह से बनाएंगे. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ हम लोगों ने स्टार्टिंग बटन दिया है एनिलीन, दिस इज योर एनिलीन, एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग विद NH2, ये रिएक्ट हो रहा है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड वी आर गेटिंग फ्रॉम व्हाट, NaNO2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और NaNO2, NaNO2 मतलब क्या है, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये दो रिएक्ट होकर क्या दे रहा है, HONO2 मतलब HNO2, HNO2 इज नथिंग बट व्हाट, नाइट्रस एसिड, ये हमारा होता है नाइट्रस एसिड, और NaCl तो साइड प्रोडक्ट नहीं हो गया, ये नाइट्रस एसिड, मतलब हम लोग मीडियम में एनिलीन प्लस ये लेते हैं मिक्सचर ऑफ दिस वन, ठीक है ना, आउट ऑफ दैट दिस टू रिएक्टिव एसिड, उसमें से ये दो रिएक्ट होकर नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ये नाइट्रस एसिड फिर एनिलीन के साथ रिएक्ट होता है, ये एनिलीन के साथ रिएक्ट होकर ये क्या लेता है, बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड N2+Cl-, ओके, फिर ये N2+Cl- ये प्रोडक्ट आज मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए या लगभग सभी लोगों के लिए नया है, तो आप लोगों ने लर्न करना है बेंजीन डायसोनियम, जैसे हम लोग एनिलीन पढ़ते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों ने पहले कभी मीथेन पढ़ा होगा, आज मीथेन उतना याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इतने दिनों से पढ़ते हो, नंबर ऑफ टाइम्स आपके दिमाग में आ गया, फिट हो गया. NH2 विद बेंजीन, बेंजीन नहीं होता NH2 मतलब वाइनो बेंजीन, दैट इज नथिंग बट एनिलीन. वैसे ही आप लोगों को आज की पहली क्लास में आप लोगों को ये थोड़ा अलग लगेगा, बट ये हमेशा आने वाला है आगे चलते. सो बेंजीन रिंग विद व्हाट N2+Cl-, इसलिए मैंने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कराया उसे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसको रिप्रेजेंट करा दूंगी कि एक्चुअली देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, एंड ट्रिपल बॉन्ड एन, और फिर एक वाले से छुट्टी लगी जिसमें हाईलाइट पहला नाइट्रोजन दैट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज. आज हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ये मान के चल रहे हैं,
और देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। सो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड मीन्स बेंजीन रिंग विद N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन रिंग विद N2 प्लस Cl माइनस, चार्जेस देना जरूरी है सॉल्ट, ठीक है, विच इज देन रिएक्टेड हियर। रिएक्शन ऑफ दिस इज कैरिड आउट एट 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 टू 278 केल्विन, 270 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन और ये 278 केल्विन, ठीक है। तो मैं से कोई भी एक मेंशन करोगे, यहाँ डेल्टा नहीं देना है, गलती से भी डेल्टा नहीं देना है, अदरवाइज यू बी गेटिंग जीरो मार्क का। जो कंडीशन जैसे होती है वो मेंशन करना जरूरी है और कंडीशन मेंटेन करना होती है प्रैक्टिकल के टाइम। सो देखिए ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 273 to 278 केल्विन, ये आपका बन जाएगा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड मतलब एन टू प्लस सी एल माइनस, बेंजीन रिंग में एन टू प्लस सी एल माइनस, अर्गेटिंग में विच इज दे रिएक्ट होती है, यहाँ पर एन टू प्लस सी एल माइनस करते हैं हम लोगों ने और ये रिएक्ट होता है बाद में। यदि क्लोरोबेंजीन बनाना है तो यहाँ लिखना है सी टू सी टू, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो सी टू बी आर टू, और आयोडाइड के लिए याद रखना है पोटेशियम आयोडाइड मतलब के आर। अभी देखिए क्यूपरस वन सॉल्ट, क्यूपरस वन सॉल्ट लिख देना है आप लोगों ने, कॉपर वन स्ट्रीट में होते हैं। ये क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट ऑफ दिस एन टू ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ दिस एन टू ग्रुप बाय मतलब डाइसोनियम ग्रुप बाय हैलाइड इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। दिस इज एक्चुअल सैंडमेयर रिएक्शन, ये हमारा सैंडमेयर रिएक्शन है एक्चुअली। ये यहाँ से एन टू निकल जाता है, वहाँ हैलाइड टू डायरेक्टली बॉन्ड हो जाता है, हैलाइड टू पॉजिटिव दिस। सो वी आर गेटिंग क्लोरोबेंजीन विद द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन एयर। सिमिलरली जब ये रिएक्शन सी टू बी आर टू के साथ होगा तो यहाँ ये निकल के आपका रिप्लेस होकर बी आर आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा। When it reacts with Kr, so we are getting what? Iodobenzene. This is about preparation of chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene. ये method में हम लोग chloro मतलब aryl chloride, aryl bromide, iodide भी बना सकते हैं। While electrophilic substitution में हमारा कैसे chlorination, bromination, iodination है, तो iodination quite tough होता है, ठीक है, नहीं हो पाता। iodide, aryl iodide cannot prepare because the reaction is reversible. इतना आप लोगों ने वहाँ mention करना है। हम लोगों ने वहाँ ब्रोमाइड और क्लोराइड के लिए देखा और ये केस में हम लोगों ने पढ़ा सैंडमेयर रिएक्शन। राइट अ नोट ऑन सैंडमेयर रिएक्शन यदि आता है तो आप लोगों को इतना पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर वो लोग स्पेसिफिकली पूछते हैं हाउ यू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, तो यहाँ पर राइट अप टू दिस वे, ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, तो यहाँ से यहाँ तक आ गए ब्रोमोबेंजीन, इतना ही रिएक्शन है। सिमिलरली आयोडोबेंजीन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा केमिकल रिएक्शन, बट उसके पहले मैं नेचर ऑफ ERX बॉन्ड थोड़ा बता देती हूँ। नेचर ऑफ ERX बॉन्ड हम लोगों ने नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ा था, यहाँ हम लोग नेचर ऑफ ERX बॉन्ड पढ़ेंगे, उसके लिए हैलाइड या क्लोरोबेंजीन। अभी देखिए एक केस ऑफ हैलाइड है, इस तरह से लिखिए आप या इस तरह से लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हॉरिजॉन्टली बनाइए या वर्टिकल, ठीक है ना। हैलाइड ग्रुप इज डायरेक्टली प्रेजेंट, दिस इज नेचर, नेचर ऑफ, हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ अराइल हैलाइड। सो अभी देखिए हैलाइड ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन न्यूक्लियस, हैलाइड ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन न्यूक्लियस। सो ये कार्बन एटम कैसे होता है, इन केस ऑफ हैलाइड कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये कंपेयर करके पढ़ोगे। व्हाइल इन केस ऑफ अल्किल हैलाइड क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड होता है, सिंगल बॉन्डेड तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले हैलाइड हैलाइड के बारे में बता दूँ, हैलाइड ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ये कार्बन एटम देखिए डबल बॉन्डेड आने की वजह से, ठीक है, ये कहीं पर भी प्लेस करिए अल्टरनेटली प्लेस होगा तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। सो कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक है। इन केस ऑफ अराइल हैलाइड कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज विच इज बॉन्डेड टू व्हाट, सिंपल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पर कार्बन एटम क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जो कि आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम से जुड़ा होता है। दिस इज एक्स मतलब हैलोजन एटम और हैलाइड ग्रुप, हैलाइड ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, मतलब यहाँ पर हैलाइड ग्रुप आपके कार्बन एटम पे अटैच है जो बेंजीन रिंग का है और जो कि आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, ये हैलाइड ग्रुप मतलब इन जनरल क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये कितने होते हैं हैलोजन्स में,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा NH2NP5। सो देर आर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो देर आर, सपोज करिए हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं, सो देखिए कैसे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका, दैट विल फॉर्म अ बॉन्ड विद दिस कार्बन एटम, इसलिए ये सिंगल बॉन्ड में जाएगा। ठीक है, ये जो रहेगा ना ये क्या हो जाता है, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हैलाइड ग्रुप इज इन वॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इन केस ऑफ एराइल हैलाइड कार्बन एटम क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड हैलाइड ग्रुप में भी क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, हाइब्रिडाइज, सब में NH2NP5 कन्फिगरेशन होता है। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके वैलेंस शेल में हमेशा NH2 नहीं पढ़ा होगा तो खोल के देखिए NH2NP5 होते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7th वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। जो 7th वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, दैट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ये जो कार्बन एटम है उसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अभी बचे उसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर यू गेटिंग दैट। सो ये जो रहेगा ना आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का pz ऑर्बिटल में जाता है वो, सो देखिए वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलाइड ग्रुप इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद व्हाट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, हो गया आपका। नेक्स्ट, अभी देखिए ये हैलाइड ग्रुप पे आपकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन होता है, दैट रीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉट सर्टन कोनोनिकल स्ट्रक्चर, कोनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि आप लोगों ने 11th में ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ा है। ठीक है, अब इसके देखिए कोनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बता देती हूँ, यहाँ पर किस तरह से रहेंगे, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, आप लोग फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहे हो डबल बॉन्ड, इसी एंड में करना प्लेस, साइड चेंज कर सकते हो बट नहीं करोगे, ये देखिए मैं जिस तरह से रिप्रेजेंट करा रही हूँ ना उसी तरह से बिल्कुल करना है, इसको मैं हटा देती हूँ, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7th विल बी हियर। ठीक, अभी देखिए दिस इज इन कॉन्जुगेशन वन ऑफ द लोन पेयर, अभी देखिए इसके पास 3 लोन पेयर है हैलाइड ग्रुप के पास, सो वन ऑफ द लोन पेयर एक पेयर ये क्या करेगी इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगी, और फिर यहाँ पे क्या होगा माइग्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो उसी के लिए हम लोग बोलते हैं देर इज अ पाई, देर इज व्हाट पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। ठीक है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, सो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम या हैलोजन एटम फॉर्म डबल बॉन्ड विद दिस एंड दिस व्हाट, और दे आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग, दे आर मतलब वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ हैलाइड ग्रुप इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग, किस तरह से, अभी देखिए इसमें ये दो पैर, ये दो पैर बैठी, ये एक और ये दो, ये पैर हमारे यहाँ पर आ गई है तो इसने यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया, सो एज सून एज दिस पेयर फॉर्म अ डबल बॉन्ड हो रही है, यहाँ डबल बॉन्ड जैसे फॉर्म करती है ना इमीजिएटली दिस पेयर विल कम्स आउटसाइड, ये जो पेयर है इनसाइड वाला रहता है, ये जो पेयर हम लोगों ने एरो हमारा यहाँ से आता है, एक्चुअली एरो ये होना चाहिए बट बैक साइड से आता है इसलिए यहाँ से नहीं डिनोट करते, हम लोग सिंपली इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये जो एरो ये पेयर कम्स आउटसाइड इमीजिएटली कम्स आउटसाइड यहाँ आ जाते हैं, जैसे ही ये देखो ये पेयर यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया वैसे ही ये जो पेयर रहेंगे ना ये बाहर आ जाएंगे, वाइट दीज टू पेयर रिमेन एज इट इज, इन दोनों पेयर को हम लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया, ये एज इट इज रहेगी, इन दोनों को हम लोगों ने छेड़ा भी नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है इसको, बिल्कुल एज इट इज रखना है, जैसे ये पेयर यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगी ये पेयर इमीजिएटली कम्स आउट से, ये पेयर जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करती है इस कार्बन एटम के साथ तो ये जो इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इमीजिएटली कम्स आउट से, दिस इज नोन एज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, मतलब दिस इज वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन हैलोजन एटम इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन और बेंजीन रिंग। ठीक है, अभी देखिए इस तरह से फिर हम लोगों को सर्टन कोनोनिकल फॉर्म मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते जाएंगे मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, अभी ये देखिए ये इनिशियली इलेक्ट्रॉन रिच था, ठीक है ना, उसके पास टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 ऑफ इट्स ओन मतलब 2, 2, 4, 2, 6 और ये 7 उसका खुद का था, एक कार्बन एटम के साथ उसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया था तो ऑलरेडी ऑक्टेट स्टेट में था इलेक्ट्रॉन रिच, अभी एक लोन पेयर यहाँ जाने की वजह से ये क्लोरीन एटम बना, आपका क्लोरोनियम आयन बन गया, ये हुआ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, और ये दिस विल कैरी नेगेटिव चार्ज, क्यों, बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन एटम पर आ, सो दैट कार्बन कैरीज नेगेटिव चार्ज,
यदि कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो कार्बोकेटाइन कहते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिक केमिकल स्पीसीज जिसमें कार्बन कैरीज व्हाट पॉजिटिव चार्ज, यदि वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज यदि करता है कैरी तो हो जाता है कार्बोकेटाइन। और उस केस में कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। बट इफ इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, यदि ये नेगेटिव चार्ज कैरी करे सो वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो जाएगा। और कार्बेनियन नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है? एनियन। सो कार्बन है इसलिए कार्ब एनियन। रीडिंग है। सो देखिए ये पैर यहाँ, नेक्स्ट में क्या होगा? अभी हम लोग इसका मोमेंट रिप्रेजेंट करा देते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये डबल बॉन्ड आप लोगों को नहीं एज इट इज रखना है, सी एल बी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पे एज इट इज रिप्रेजेंट करना है। अभी देखिए ये जो पैर है ना, दो इलेक्ट्रॉन, इफ इट फॉर्म अ बॉन्ड इन बिटवीन दिस टू कार्बन, ये दोनों के बीच में कार्बन बॉन्ड फॉर्म करती है तो क्या हो जाएगी? दिस पेयर इमीडिएट कम्स आउटसाइड, ये पेयर बाहर आ जाएगी। सो देखिए कैसे बनेगा, इस पेयर ने आपका डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म कर दिया तो ये पेयर बाहर आ गया, अपनी ये पेयर यहाँ आ गई तो दिस कार्बन विल कैरी नेगेटिव चार्ज। वाई हम लोगों ने ये पेयर को हाथ भी नहीं लगाया था, दैट पेयर एज इट इज, ये एज इट इज रहेगा, ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा, ठीक है। बॉन्डिंग किसके मतलब ये पेयर फॉर्म अ डबल बॉन्ड, सो इमीडिएटली दिस विल शिफ्टेड टू दिस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया तो ये पेयर बाहर आ गया, ठीक है, ये आपका बाहर आ गया एक पेयर। नेक्स्ट ये इस तरह से पाई बॉन्ड क्लाउड या डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते जाता है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट विंटर ये पाई इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा? इफ दिस फॉर्म अ डबल बॉन्ड इन बिटवीन दिस टू कार्बन एटम इन बिटवीन दिस टू, सो दिस पेयर विल कम्स आउटसाइड, ये पेयर बाहर आ जाएगी तो ये किस तरह से होगा? ये सीएल, तो इस पैर ये पैर को हम लोगों ने हाथ भी नहीं लगाना है, वो एज इट इज रहेगी। अभी किसके बीच में हो रहा है? इन दोनों के बीच में, तो ये पैर ने यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर लिया तो ये पैर बाहर आ गया, दिस विल कैरी नेगेटिव चार्ज, ये डॉटेड है, डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, एक पैर हो गया आपका, ठीक है। और वंस द सब्स्टिट्यूशन ऑकर्स मतलब कम्प्लीट, जब आपका सब्स्टिट्यूशन कम्प्लीट हो जाता है तो क्या कर देता है ये पेयर वापस यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये पेयर वापस गोज टू व्हाट इट्स ओरिजिनल साइड, ये अपने ओन साइड या ओरिजिनल साइड पे चला जाता है। सो देखिए ये यहाँ पे बॉन्ड एज इट इज था, ये भी एज इट इज, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म करे तो ये पेयर वापस चलेगी। तो ये देखिए इफ यू कंपेयर दिस विद फर्स्ट स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर इफ यू कंपेयर विद फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन देखिए वहाँ पे सिंपली मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से मूवमेंट, ये देखिए इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। सो ये जो आपका यहाँ था ये यहाँ पोजीशन, इस पोजीशन पे आ रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, सो दिस इज पाई बॉन्ड रेजोनेंस बोल सकते हैं या पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, दैट्स व्हेन वी कैन आइदर रिप्रेजेंट दिस स्ट्रक्चर या दिस स्ट्रक्चर, या इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन रिप्रेजेंट पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मीन्स वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट द सर्कल इन बिटवीन द रिंग। सो ये देखिए आपके रेजोनिंग स्ट्रक्चर हुए और रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं डॉटेड लाइन के साथ, ठीक है ना, ये सीएल रहेगा, ये मतलब आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस रिप्रेजेंट द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा उसी का मीनिंग हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे विद बॉल स्ट्रक्चर क्लोरोबेंज, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन कोलोनिकल फॉर्म ऑफ फॉर क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, हम लोग नेचर ऑफ हैलाइड ग्रुप पढ़ रहे थे, उसमें हमारा ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन वाला टर्म आ गया तो हम लोगों ने पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन पढ़ा। अभी देखिए पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन समझ में आ रहे हैं, देखिए क्या होता है हैलाइड ग्रुप में मतलब हैलोजन एटम्स आर हैविंग सेवन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है, सेवन इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और सेवंथ विल बी हियर, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन आपका इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। अभी देखिए ये क्या हो जाता है, अभी हम लोगों को पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन का बताना है या ये हाउ दे आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग के साथ कैसे कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड सिस्टम ये करता है, हम लोग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड सिस्टम भी वर्ड यूज करते हैं, इट हैज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड सिस्टम ये भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दिस वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हैलाइड ग्रुप, हैलाइड ग्रुप की एक लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्या करती है ना, इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन इस तरह से दिखाती है। दिस रीजन द फॉर्मेशन फॉर दीज आर रेजोनिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4, ये मतलब ही ये मतलब इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर व्हाट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड एज व्हाट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
सो देखेंगे पहले स्ट्रक्चर में ये पैर जैसे ही बॉन्ड फॉर्म कर दिया मतलब डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया सो इमीडिएटली ये पैर बाहर आ गया इमीडिएटली दिस पैर विल कम्स आउटसाइड यहाँ आ जाएगी ठीक है नेक्स्ट तो जैसे पैर यहाँ आ गए दिस विल कैरी निगेटिव चार्ज ये क्लोरीन एटम के पास देखिए कितने पैर दो इलेक्ट्रॉन पैर रह गए तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया मेन वाइन हम लोगों ने इन दोनों को हाथ भी नहीं लगाया तो वो एज इट इज रखना है उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्टर के पास जाओगे तो यदि आप कंपेयर कर पा रहे होंगे तो ये देखिए इसके बाद ये 1 2 3 तीनों भी सेक्टर में ये क्लोरोनियम आयन एज इट इज है वे डबल बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन पैर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिंबल उसमें दिया हुआ है अभी हम लोगों को सिंपली मूवमेंट ही रिप्रेजेंट करना है ये लोन पैर का ही हम लोग मूवमेंट रिप्रेजेंट कराएंगे सो देखिए किस तरह से होगा ये पैर ने मानो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया ये पैर ने मानो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा इमीडिएटली दिस पैर विल कम्स आउट ये पैर बाहर आ जाते जैसे ही ये पैर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करता है ना तो ये पैर बाहर आ जाते ठीक है और हम लोगों ने ये इलेक्ट्रॉन पैर को हाथ भी नहीं लगाया था तो ये एज इट इज रही सो ये पैर ने यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर दिया जो कि आपकी ये केस है और ये पैर बाहर आ गया मतलब जो ये है नेक्स्ट इंटर मोड अपन ये रिमेन एज इट इज रहेगा नेक्स्ट में क्या होगा ये पाई इलेक्ट्रॉन या इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो इमीडिएटली दिस पेयर विल कम आउट ये पेयर बाहर आ जाए और इसको हम लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया वो एज इट इज रहेगा इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आ गया और जैसे आपका सब्स्टिट्यूशन दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस इज अ रीजन कि व्हाई वी आर गेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट दिस मेनली यूज्ड फॉर ऑर्थो दिस इज योर ऑर्थो पोजीशन दिस इज पैरा पोजीशन अगेन दिस इज ऑर्थो पोजीशन ठीक है ना ये एक रीजन भी आपका कि जिसमें आप लोगों को ज्यादातर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही मिलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट अगेन ठीक है नेक्स्ट क्या होता है जैसे आपका सब्स्टिट्यूशन या रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है ये पैर वापस यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर देती है और ये पैर वापस अपनी जगह चली जाती है हैलाइड के पास तो देखिए पहला स्ट्रक्चर यदि लास्ट स्ट्रक्चर के साथ पहला स्ट्रक्चर आप कंपेयर करें तो सेम ही स्ट्रक्चर है सिर्फ ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंटेशन है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके 11th में भी हो गए हैं बट अभी नहीं हुए होंगे या याद नहीं होंगे आप लोगों ने करना है ये हमेशा हर एक केस में आने वाला है अल्कोहल के साथ भी सेम ऐसा आएगा अल्कोहल ऑक्साइड के साथ भी आएगा आगे चलते केस में आप लोगों ने सिंपल ये आपके फंक्शन को चेंज होते जाएंगे और बस ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला पोर्शन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आगे चल के एक रीज़न है जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ठीक है उसमें सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट रहेगा तो वो हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे आज सिंपली आप लोगों ने क्लोरोबेंजीन से ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं आप लोग कहीं पर भी हैलाइड नहीं बुक करोगे जैसे बुक में दिया होता है जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से करने हैं पहला डबल बॉन्ड यही प्लेस करना है ताकि आप लोग इसी तरह से जाओ उल्टा जाओगे तो दैट मे क्रिएट द कन्फ्यूजन एक बार आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया कंप्लीट हो गया फिर आप कोई भी चीज़ पढ़ सकते हो बट आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या कन्फ्यूजन आ गया ना हो आगे चल के ये बहुत ज़्यादा रटना ना पड़े इसलिए आप इसी वे से कहीं एक ही डायरेक्शन में रखिए बिल्कुल भी आगे लेसन आगे आने वाले लेसन में आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी अपने आप को स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे हम लोगों को वो चीज़ सीखने की हम लोगों को अपने आप को रिएक्शन अपने आप हमारे से बने हम लोगों को करना आना चाहिए कौन से ग्रुप कैसे जाते हैं वो करना है यहाँ पे हैलाइड ग्रुप से रिप्रेजेंट होता है बट मैंने क्लोराइड ले लिया आप लोग भी क्लोराइड से ही करोगे क्लोरीन के साथ प्रैक्टिस करो क्लोराइड के साथ ब्रोमोआइड अपने आप आ जाएगा इंजनल एक्स में हम लोग वहाँ पे एज्यूम करके रख सकते हैं सो ये आपके रेजोनेंट स्ट्रक्चर में 1 2 3 एंड 4 ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर है और ये है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब ये देखिए रिप्रेजेंट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट्स व्हाई वी कैन रिप्रेजेंट बॉल इंस्टेड ऑफ दिस बॉल एक्सेप्ट हम लोग बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ बॉल अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड और यदि आप अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड मिस कर जाते हो तो दैट विल बिकम द साइक्लोहेक्सेन यू विल बी गेटिंग 0 मार्क ऑन दैट ठीक है तो एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल बनेगा सो देखिए हम लोग वापस नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ रहे थे नेचर ऑफ CX बॉन्ड में आपका कार्बन एटम क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है ठीक है और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम में आपका ये जो हैलाइड ग्रुप है ये बॉन्डेड है हैलाइड ग्रुप बॉन्डेड टू व्हाट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे कि दिस पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ व्हाट हैलाइड ग्रुप या हैलोजन एटम दे आर इन कॉन्जुगेशन विद व्हाट पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन दे आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन ये इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम फॉर्म करते हैं दैट्स व्हाई हम लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं देयर इज कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड सिस्टम आ रहा है देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहा है कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड सिस्टम आर यू गेटिंग दैट कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड सिस्टम ठीक है देन नेक्स्ट वन दिस इज इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड दिस गिव्स व्हाट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट ठीक एंड द एनर्जी विच इज सप्लाइड फॉर दिस और जो इससे रिलेटेड जो एनर्जी होती है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी
नेक्स्ट यदि बॉन्ड लेंथ है यदि हम लोग कंपेयर करें तो ये जो आर एक्स ए आर एक्स बॉन्ड होता है ना, ए आर एक्स मतलब ए आर मैंने बेंजीन लिंक के लिए लिखा और हैलाइड के लिए लिखा, वाइट इन केस ऑफ अल्किल हैलाइड ये कैसे होता है, ये बॉन्ड क्वाइट वीकर होता है। इन केस ऑफ अल्किल हैलाइड द बॉन्ड इज वीकर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्किल हैलाइड, इसमें क्या होता है ये वीक होता है एज कम्पेयर टू दिस वन, ये ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सर्टन रेजोनिक स्ट्रक्चर ये स्ट्रांग होता है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ये जो बॉन्ड है ARX मतलब बेंजीन रिंग और हैलाइड के बीच का बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है, पहला रीजन है ये स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। दूसरा ये है कि ये क्या होता है, ये बॉन्ड लेंथ जो होती है ये शॉर्टर होती है, ये बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड के कंपेरिजन में इसका बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होता है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई ये बॉन्ड लेंथ यदि शॉर्टर होगा तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विल फॉर्म इन बिटवीन देम, इनके बीच का जो बॉन्ड रहेगा वो स्ट्रॉन्गर रहेगा, ठीक है। इसका बॉन्ड लेंथ दिया होगा आपके इसमें अल्किल हैलाइड के लिए नियर अबाउट 170 पिकोमीटर और इन दिस केस नियर अबाउट 166-167, सो इसका बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है उसी रेंज में दिया होता है, ठीक है। सो इसका बॉन्ड लेंथ या तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में देते हैं या फिर पिकोमीटर में देते हैं, ठीक है ना। सो अल्किल हैलाइड में नियर अबाउट 170 पिकोमीटर मतलब 1.70 एंगस्ट्रॉम यूनिट और अल्किल हैलाइड में नियर अबाउट 166-167 एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब पिकोमीटर या 1.66 कन्वर्शन आप लोगों को पता है, ठीक है। सो ये होता है तो अराइल हैलाइड का जो बॉन्ड लेंथ होता है ये जो होता है ये शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्किल हैलाइड, दैट्स व्हाई शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्म। ये बॉन्ड लेंथ यदि शॉर्टर होगी तो उनके बीच का बॉन्ड वैसे भी स्ट्रॉन्ग होगा, कैसे होगा ना, स्ट्रॉन्गर होगा, आर यू गेटिंग दैट, ये स्ट्रॉन्गर रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा तो ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जाता है, ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट रहेगा, ठीक है। दिस इज द रीजन कि व्हाई दे डू नॉट अंडरगोस व्हाट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके लिए आप लोगों को ये रेजोनिंग स्ट्रक्चर्स भी लगेंगे, तो ये रेजोनिंग स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों ने पढ़ने हैं उस टॉपिक के लिए। ये नेचर ऑफ अराइल ग्रुप में या अराइल हैलाइड में आपको ये भी ड्रॉ करना है रेजोनिंग स्ट्रक्चर, फिर ये आप लोगों ने एक और पॉइंट उसमें ऐड कर देना है रिलेटेड टू व्हाट बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस क्या हो जाता है, इसका बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है इन केस ऑफ अराइल हैलाइड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्किल हैलाइड, दैट्स वाई शॉर्टर बॉन्ड है इसलिए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म हुआ इन केस ऑफ व्हाट अराइल हैलाइड, एंड दिस इज द रीजन कि वाई दे डू नॉट अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैं आगे पढ़ाती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि वाई अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वाई अराइल हैलाइड, हम लोगों ने अभी तक अराइल हैलाइड पढ़े हैं, देन हम लोगों ने क्लासिफिकेशन और डिफरेंट मेंबर्स अलॉन्ग विद आईपीएसी नेम पढ़ा है, थर्ड टॉपिक हम लोगों ने उससे लिया है अराइल हैलाइड नेचर ऑफ ए आर एक्स बॉन्ड। ये रेजोनिंग स्ट्रक्चर मैंने वैसे ही बोर्ड पे रखे हैं, मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ उसमें भी हम लोगों की इसकी हेल्प लगेगी, दैट्स व्हाई उस टॉपिक में आप लोगों को ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है बट एक्सप्लेनेशन के लिए लगेगा। सो वाई ये यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि वाई अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगोस अराइल हैलाइड do not undergoes क्या नजर में लिख सकते हैं do not undergoes आ चुका है as it is board exam में do not undergoes essence लिखा रहता है nucleophilic substitution reaction do not undergoes nucleophilic substitution reaction। एक बार ने ये nucleophilic substitution के जगह उन्होंने लिखा था SN reaction, तो काफी लोगों को SN ठीक ही नहीं हुआ, why they do not undergoes SN reaction, SN का मतलब ही आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, व्हाई डू नॉट अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रीजन हम लोग पढ़ेंगे, ये आ चुका है बोर्ड एग्जाम में दोबारा आ चुका है, तो इसलिए आप लोगों ने करना ही है व्हाई दे डू नॉट अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इसका रीजन देखिए, इसको आप लोगों ने कंपेयर करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है, अल्किल हैलाइड देता है, अल्किल हैलाइड दे इजीली अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वी हैव सीन डिफरेंट रिएक्शंस विद न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ हम लोगों ने अल्किल हैलाइड के रिएक्शंस पढ़े, आफ्टर दैट वी हैव सीन मैकेनिज्म ऑल्सो, हम लोगों ने मैकेनिज्म भी पढ़ा है, ठीक है, एस एन वन एस एन टू मैकेनिज्म। अभी यही चीज अराइल हैलाइड में क्यों नहीं होती है वो पढ़ना है हम लोगों को। पहला पॉइंट आप लोगों ने रेजोनिंग स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त हमारे इसमें आ गया, ये भी पॉइंट्स हम लोगों को लगने वाला है, ठीक है। पहला पॉइंट सबसे पहले ये कंपेयर करें तो अराइल हैलाइड में कार्बन एटम कैसे होता है, इन केस ऑफ अराइल हैलाइड कार्बन एटम इज व्हाट sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, व्हाइल इन केस ऑफ अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड मतलब ये आपका हो गया ARX बॉन्ड, ARX बॉन्ड ARX में कार्बन कैसे होता है sp2 हाइब्रिडाइज, व्हाइल इन केस ऑफ व्हाट अल्किल हैलाइड क्या होता है, ये बॉन्ड जो रहेगा कार्बन एटम कैसे रहता है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज,
ठीक है, ये sp3 हाइब्रिड होते हैं और RiRi में sp2 हाइब्रिड होते हैं। अब यहाँ देखिए sp यदि होता तो क्या होता है, 50% s 50% आपका p होता है, 50-50% जो कि आपने पढ़ा ही लेवल में परसेंटेज ऑफ s एंड p। sp में कितना परसेंटेज होता है s का, 50%। फर्स्ट इसका कितना होता है, प्योर मेटल का भी 50%, सो 50-50%। यहाँ पे देखिए थ्री पार्ट ये है, मतलब लगभग 75% आपका p कैरेक्टर है और s कैरेक्टर ओनली 25% है। तो ये तो समझने के लिए मैंने sp यहाँ लिखा है। हम लोगों ने मेनली कंपेयर किसमें करना है, sp2 और sp में। तो समझ में आ रहा है, p में कितना sp3 है तो 75% आपका s कैरेक्टर, p कैरेक्टर सॉरी, और s कैरेक्टर ओनली 25%। वाई इन केस ऑफ sp2 में क्या होगा, नियर अबाउट 67% आपका रहेगा p कैरेक्टर और 33% आपका रहेगा s कैरेक्टर। सो क्या रहेगा आपका, 33% s कैरेक्टर, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज मोर इन केस ऑफ RiRi। किसका परसेंटेज ज़्यादा है, s का परसेंटेज RiRi में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू RiRi। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ उसमें परसेंटेज ऑफ s। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज मोर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर is more in case of what RiRi as compared to that of what alginate। ठीक है, then next है आपका bond length वाला topic, हम लोग यहाँ डाल सकते हैं bond distance जो कि हम लोगों ने nature of Sayce bond में भी पढ़ा है। इन केस ऑफ वॉट alginate क्या हो जाता है, हाँ यहाँ जो percentage of s character होता है ना, जितना ज़्यादा s character होगा उतना stable bond form होगा। इसमें s character जितना ज़्यादा है उतना ही ये stable bond form है। ठीक है, उतना ही stable bond रहेगा तो वो कैसे ना आसानी से रिएक्शन में नहीं जाएगा, ब्रेक नहीं हो पाएगा। आर गेटिंग दैट, सो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज मोर, दैट्स व्हाई RiRi दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ व्हाट alginate। ये पहला पॉइंट। सेकेंड हम लोग बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कहते हैं। सो क्या होगा, इन केस ऑफ RiRi बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ व्हाट RiRi में बॉन्ड लेंथ कैसा है, शॉर्टर है। ठीक है, RiRi में बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ alginate। RiRi में नियर अबाउट कितना है, 1.66 एंगस्ट्रॉम यूनिट या 166 पिकोमीटर या 167 भी लिख सकते हो। वाइल इन केस ऑफ alginate में ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ नियर अबाउट 170 पिकोमीटर होता है। सो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ इज प्रेजेंट इन केस ऑफ व्हाट RiRi। RiRi में बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कैसे होता है, शॉर्टर होता है। ये शॉर्टर होता है इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होता है। इन केस ऑफ व्हाट RiRi में ये बॉन्ड कैसे रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ alginate। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट हैज व्हाट RiRi में क्या होता है, देयर इज अ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन हैलाइड ग्रुप इज इन कॉन्जुगेशन विद व्हाट, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग इस तरह से। ठीक है, सो देयर इज व्हाट पाई बॉन्ड कैरेक्टर या देयर इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन हैलाइड ग्रुप आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन। हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि ये जो लोन पेयर रहती है ना हैलाइड ग्रुप की, ये इस तरह से कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड सिस्टम फॉर्म करती है। ठीक है, सो हम लोग उनका नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ हैलाइड दे आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग। देन देयर इज व्हाट डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, ये एक पॉइंट आएगा। बट सच टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट अकर इन केस ऑफ व्हाट alginate। alginate में ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होते हैं और RiRi में ये होते एक्से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या मोनोनिकल फॉर्म, इसीलिए ये जो RiRi रहेंगे ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। ज़्यादा स्टेबल होंगे तो वो आसानी से रिएक्शन में नहीं जाएंगे, उनके बीच का ये जो बॉन्ड है आसानी से ब्रेक नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कैसे, जैसे बॉन्ड ये ब्रेक होता है तो हैलाइड ग्रुप इज रिप्लेस बाय समाधान, ये हम लोगों ने alginate में देखा, दे आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट यहाँ ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, मोरेवर इसके अलावा मतलब यहाँ आपका आएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर या कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड सिस्टम, कॉन्जुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड सिस्टम, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड सिस्टम या डबल बॉन्ड कैरेक्टर मैं यहाँ लिख देती हूँ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन विद बेंजीन रिंग, और नेक्स्ट आएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है ना, और मोर इवन ऐसे भी केसेस में इसके अलावा यदि ये करने की कोशिश भी करें बाय एस एन वन या एस एन टू मैकेनिज्म, इफ यू ट्राई टू फॉलो एस एन वन या एस एन टू मैकेनिज्म, मोर इवन
दी फिनाइल कार्बोकेटन इज फॉर्म। ऐसे भी केसेस में मान लो फिनाइल कार्बोकेटन यदि आपका फॉर्म हो भी गया, फिनाइल मतलब इस तरह से कार्बोकेटन यदि फॉर्म हो भी गया, मानो चलो हैलाइड ग्रुप निकल गया, दिस विल फॉलो फॉर्म कार्बोकेटन। यदि इस तरह का होता है तो क्या हो जाएगा, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल नॉट टेक्स प्लेस और दिस कार्बोकेटन जो कार्बोकेटन फॉर्म हो जाता है ना, दैट विल नॉट स्टेबलाइज बाय सच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का इस तरह से मूवमेंट चाहिए लोन पेयर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूवमेंट चाहिए। आपका फिनाइल कार्बोकेटन मानो फॉर्म भी हो गया तो इसका ये रेजोनेटिंग से ये स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, इस तरह के स्ट्रक्चर्स उसमें नहीं मिलेंगे। सो मोर एवर द फिनाइल कार्बोकेटन इज फॉर्म, फिनाइल कार्बोकेटन यदि फॉर्म भी हो गया तो दैट विल नॉट स्टेबलाइज बाय सच टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सो दैट विल रूल आउट योर SN1 मैकेनिज्म। कार्बोकेटन किसमें फॉर्म होता है, SN1, तो SN1 मैकेनिज्म ये नहीं दे पाएगा। आर यू गेटिंग दैट, दैट विल नॉट अंडरगोस SN1 मैकेनिज्म देन, एंड इट विल नॉट अंडरगोस SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में ये शो नहीं करते हैं बिकॉज SN2 में क्या चाहिए आपका, बैक साइड अटैक। सो बैक साइड अटैक इज ब्लॉक्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, पाई इलेक्ट्रॉन। सो बैक साइड अटैक भी यहाँ नहीं हो सकता है, सो दैट्स व्हाई SN2 मैकेनिज्म में ये नहीं दे पाएगा, डू नॉट अंडरगोस व्हाट SN2 मैकेनिज्म। सो SN2 मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म में ये नहीं दे पाता है, दैट्स व्हाई अराइल हैलाइड दे डू नॉट अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दे डू नॉट अंडरगोस व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आर यू गेटिंग दैट, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कैसे होगा अराइल हैलाइड क्यों नहीं देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज इन केस ऑफ अराइल हैलाइड कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, अराइल हैलाइड में कार्बन एटम हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, व्हाइल इन केस ऑफ एल्किल हैलाइड कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। देन परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ हम लोगों ने कंपेयर करना है, इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा है, इस मोर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज मोर इन केस ऑफ अराइल हैलाइड, व्हाइल इन केस ऑफ एल्किल हैलाइड परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 25%, मतलब लेस है। हाइयर द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर मोर स्टेबल बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन देम, ठीक है, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना स्टेबल बॉन्ड फॉर्म होगा, स्टेबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो ब्रेक नहीं होगा, रिएक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट रिलेटेड टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा बॉन्ड लेंथ वाला टॉपिक, बॉन्ड लेंथ कैसे ना, इन केस ऑफ अराइल हैलाइड द शॉर्टर बॉन्ड लेंथ इज प्रेजेंट, ठीक है, व्हाइल इन केस ऑफ एल्किल हैलाइड दिस बॉन्ड लेंथ इज लार्जर, ठीक है। सो शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्मिंग बिटवीन देम, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड विल नॉट इजीली रप्चर ड्यू टू शॉर्टर बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्किल हैलाइड। देन कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड सिस्टम हम लोग यहाँ बोल सकते हैं पाई बॉन्ड सिस्टम या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है, कॉन्जुगेट पाई इलेक्ट्रॉन जो कि मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए बता दिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, बट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ वैसे रखा है, वो आप लोगों ने नेचर ऑफ सेक्स बॉन्ड में पढ़ना है, एक बार आप पढ़ लोगे तो वो दिमाग में रहेगा, वही चीज हम लोग यहाँ अप्लाई करते थ्योरेटिकली। देन देयर होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हम लोग वर्ड यूज करते हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इसके बीच में, ठीक है, जब रिएक्शन होती रहती है। सो ये केसेस किस में होती है, अराइल हैलाइड में होती है जो कि एल्किल हैलाइड में नहीं होती है, ठीक है, इसलिए भी ये ज्यादा स्टेबल रहेगा तो आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट मोर एवर ऐसे भी केसेस में यदि मानो फिनाइल कार्बोकेटन फॉर्म हो भी गया हैलाइड ग्रुप रिमूव होने के बाद, या फिनाइल कार्बोकेटन फॉर्म हो भी जाता है तो ये इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दे पाता, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ लिखते हैं कि इट विल नॉट फिनाइल कार्बोकेटन इज फॉर्म, इफ फिनाइल कार्बोकेटन इज फॉर्म, ये फिनाइल कार्बोकेटन हो गया कार्बन का डिस्पोजिटिव चार्ज, सो इट विल नॉट स्टेबलाइज बाय व्हाट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सच टाइप ऑफ रेजोनेंस, इस तरह के रेजोनेंस से वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है। सो दैट विल रूल आउट यूर SN1 मैकेनिज्म, सो ये SN1 मैकेनिज्म नहीं देगा, ठीक है। सो और SN2 मैकेनिज्म में हम लोगों को क्या चाहिए, बैक साइड अटैक। सो बैक साइड अटैक के लिए क्या, बैक साइड अटैक इज रूल आउट, वो भी नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ व्हाट, पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना, ये ब्लॉक हो जाएगा, अटैक बैक साइड अटैक इज ब्लॉक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, पाई इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इन, ठीक है। सो ये SN1 भी नहीं देगा, SN2 भी नहीं देगा, इस तरह से अराइल हैलाइड दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज अ रीजन व्हाई दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट अराइल हैलाइड अप टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, सो दे इजिली अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाउ, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।